नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जौनपुर डेली टाइम्स की एक नई खबर में। मैं हूं सरस सिंह। बता दें कि जौनपुर में एक बार फिर यात्रियों की सूझबूझ के चलते बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। बता दें कि ट्रेन नंबर 14008 आनंद विहार से रक्सौल जा रही थी। वाराणसी में रेल रूट पर काम चालू होने के कारण ट्रेन को जफराबाद जंक्शन से औढ़ियार जंक्शन के बीच डाइवर्ट थी। ट्रेन जैसे ही जौनपुर से आगे के राकत स्टेशन पर पहुंची, ट्रेन के S2 कोच का पहिया जाम हो गया। पहिया जाम होने से आग लग गई और धुआं निकलने लगा। धुआं निकलते देख यात्रियों ने सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन के गार्ड ने फायर एक्स टेंगुसर से आग पर पाया काबू। तब जाकर गाड़ी को आगे के लिए किया गया रवाना। अनुज, कहाँ से कहाँ आप जा रहे थे? सर, मैं आनंद विहार से छपरा जा रहा हूँ। जो किराकत स्टेशन पर ये ट्रेन रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस है, ये दिल्ली से रक्सौल के लिए जा रही थी, क्या मामला है? कितनी भीड़ की संख्या में आप लोग यहाँ पर रुकी है ट्रेन, उसके बारे में बताएं। सर, ये भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा था। अच्छा। मतलब हम लोग तो वहीं से बैठे थे, अब मतलब थोड़ा सा अभी धुआं आया था और एक पर एक पूरा धुआं होने लगा। उसके बाद ये धुआं कहाँ से निकला? धुआं ब्रेक्सोल से निकला था, नीचे ब्रेक्सोल से। उसके बाद हम लोग सोचे कि शायद ऐसे ही निकल रहा है, फिर बाद में एक पूरा दम यहाँ से मत पूरा धुआं कर सकते सर। और एक बात, एक अंकल जी आए थे, उधर से बोलते कि एकदम आग लग गया, तो हम लोग भी उतरने लगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा मेहरबान सिंह। मेहरबान सिंह, आप बताइए, ये किराकत रेलवे स्टेशन पे जी हाँ सद्भावना एक्सप्रेस जो ट्रेन रुकी है, क्या मामला है इसमें? पहले तो धुआं मतलब निकला, अंदर धुआं निकलते हुए हम सोचा कहीं ऐसे ही धुआं निकल रहा है। जब देखा सब ने निकल के हाँ आग लग रही है, तो किसी हमारे इसी पैसेंजर बंदे ने, कौन सी बोगी है ये? ये S2 है। S2 S2 में ही हमारा रिजर्वेशन है। अच्छा। हाँ जी, तो आप पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं? जी जी, फैमिली है ये। अच्छा। मेरा मिसेस है, ये मेरे बेटे का बहू है जी, प्रेग्नेंट से। अच्छा। मेरा बड़ा बेटा तो है। आप जा कहाँ रहे थे? मैं सीतामढ़ी में, वहाँ मैं बिजनेस करता हूँ। हाँ जी, तो किस तरह से आग लगी है ये, कुछ उसके बारे में जानकारी बताइए। ये सर, वैसे तो नीचे से लगी है नहीं है, धुआं छोटा धुआं निकल रहा था, हमने देखा कि धुआं निकल रहा है, ठीक है कोई ऐसा होगा। फिर बंदे ने देखा कि धुआं नहीं है, आग निकल रही है, तो यहीं का पैसेंजर ने एक ये मार कर गाड़ी रुकवा ली, रुकवा कर वहाँ पहुँचाया, उनको पता चलाया, उन्होंने बहुत हेल्प करी। ये नहीं होते तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ट्रेन रुकी तो उसके बाद फिर ट्रेन होकर उन्होंने जो है ना अपनी लाकर गैस जो रहती है वो बंद करने वाला, उसी से उन्होंने 4-5 में लेकर आए, उन्होंने बंद करी है। उन्होंने कही मैं पूरी हेल्प करूंगा, गाड़ी जब ही जाएगी जब तक ये डब्बे चेंज नहीं होंगे।